हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज की वीडियो की शुरुआत करिए। सुबह के 8 बज गए हैं और अभी मैंने थोड़ा मुंह वगैरह धोया है और लिप बाम लगाया क्योंकि मेरे ऑंट बहुत ज़्यादा फट गए थे। और पिछले 2-3 दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। वैसे अभी भी खराब ही है, बट आज मैं थोड़ा अच्छा सा फील करी तो मैंने सोचा मैं वीडियो भी शुरू कर देती हूँ। तो अभी मैं रूम में अकेले हूँ क्योंकि तब्बू का एग्जाम है, तो तब्बू चले गए एग्जाम देने के लिए। और मैंने लगाया ढाटू क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ढाटू लगा लेती हूँ। तो मैंने ढाटू लगाया और अभी ब्रेकफास्ट, मेरे को ब्रेकफास्ट बनाना है, तब्बू तो चलेगी, तो मैं सोच रही क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो आजकल वैसे भी मैं रूम में बहुत ज़्यादा बिल्ली पड़ी हूँ, मेरे पास कुछ भी काम नहीं है करने को। तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं आपको बताऊँ कि मैं मतलब ऐसे फ्री होती हूँ तो क्या करती हूँ दिन भर रूम में। तो मैं आज जो जो भी रहेगा वो आप लोग से शेयर करूँगी, जो भी मैं करूँगी आज पूरे दिन भर वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और मौसम की बात करूँ, मौसम बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है यार। मतलब जितना मैं सोचता है कोटी पैक कर ले उतने तक कोटी वापस निकालनी पड़ती है। और बाहर इतना गंदा मौसम हुआ है और साथ में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को। मैंने तो कल भी हीटर लगाया था, कल शाम को भी हीटर लगाया था। वैसे मेरे को बुखार से भी लगे तो वो शायद उस वजह से भी ठंड लग रही होगी, बट फिर भी ठंड तो होगी है और इसीलिए मैंने कोटी भी पहनी है। और मैं एक बार आपको मौसम दिखा देती हूँ, उसके बाद अपना काम शुरू करती हूँ जो भी मेरे को करना है आज। तो मैं पहले मौसम दिखा देती हूँ, इतना गंदा सा मौसम हुआ पड़ा है ना, बहुत ही गंदा। ऐसा धुंध धुंध और ऐसा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आने वाली है, इस तरह का मौसम हुआ है। देखो तो जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, मौसम बहुत ही ज्यादा गंदा हुआ पड़ा है आज। तो मैं उठ गई थी सुबह 7 बजे, 7 बज के उठ के, और 7 बजने के बाद मैंने उठ के सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगाया, कपड़े वगैरह फोल्ड किए अच्छे से। तो अब मेरे को रहता है, मेरे को सबसे पहले उठ के मैं गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद जो भी रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे हमारे पास, हमने पिछले कल की बनाई थी सब्जी शाम को, मिक्स वेज बनाया था, तो अभी तक वो भी बची हुई है, पर तब्बू ने खा ली थोड़ी सी, तो मेरे को थोड़ी सी बची, तो मैंने सोचा कि मेरे को वो नहीं खानी, तो मेरे को कुछ और बनाना है। अब देखती हूँ क्या ही बनाऊँगी। और लंच के लिए फिर दाल डालनी पड़ेगी, तब तक तब्बू भी आ जाएगी, उसका एग्ज़ाम 12 बजे तक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी करती हूँ और गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद मैंने गीज़र में पानी गर्म करने को लगाया है, बर्तन धोने को रहते हैं तो थोड़े से, तो मैं बर्तन भी धोऊंगी उसके बाद, और साथ में गर्म पानी पी, पहले गर्म पानी पी लेती हूँ उसके बाद बर्तन धोती हूँ। तो अभी ना मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिया और साथ में मैंने पानी बॉईल करने को लगा लिया, तो मेरा बर्तन धो के भी ख़त्म हो गया और पानी भी बॉईल हो गया। तो पहले पानी पी लेती हूँ और मेरा ये रहा। तो अभी मैंने पानी वगैरह पी दिया है और अभी मैं साथ में सीरियल देख रही थी, तो मैंने सीरियल देखते देखते आटा भी गूंद दिया है और मैंने आटा यहाँ पर बॉक्स में रख दिया है। तो अब मेरे को इसके बाद से थोड़ी सी सब्जी बची, पर मेरे को सब्जी नहीं खानी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ और बनाती हूँ, देखूंगी क्या बनाऊंगी बाद में। तो अभी मैंने पानी पी लिया, अभी मेरा पेट वैसे भी फुल है और अभी 9 बजे है, तो मैं थोड़ी देर से बनाऊंगी कुछ खाने के लिए। उतनी देर तो मेरे पास थोड़े से फ्रूट्स पड़े हैं, थोड़े से फ्रूट्स खा लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या बनाऊंगी खाने में। और तब्बू भी आ जाएगी 12 बजे, 12:30 बजे तक तब्बू भी आ जाएगी। तो उन्हें देखते मैं दाल डाल के रखती हूँ कोई भीगने के लिए, पत्ती दाल डालती हूँ, अगर भीगनी नहीं डालते तो जल्दी पक जाती, तो मैं पत्ती दाल को भी भीगने के लिए डालती हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि जल्दी पक जाए। तो मैं अभी पहले थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ फ्रूट्स वगैरह। और बाहर मौसम इतना गंदा हुआ है ना यार, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाऊँ, बट इतना गंदा मौसम हुआ और आस पड़ोस में भी कोई नहीं है, छोटू भी घर गई है और बाकी तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। अभी देखते क्या हो रहता है। तो ये थोड़े से फ्रूट्स है तो मैं सोचा कि मैं खा लेती हूँ उनको, एक ही केला खाऊंगी और ऑरेंज भी। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब ये रहे मेरे फ्रूट्स, ऑनलाइन बंद कर देती हूँ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो। तो अभी टाइम हो गया है 9:36 और मैंने फ्रूट्स वगैरह जो मैंने कट थे वो मैंने सारे खा लिए और मेरे को यहाँ पर ऐसा कितना सा पिंपल हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ खाने के लिए। ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का ही खाना था मैंने, बाद में तो मैंने दाल चावल बनाने वैसे भी, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास गुड़ पड़ी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं गुड़ गुड़ का परांठा बनाती हूँ, गुड़ की रोटी, मीठी रोटी बनाती हूँ गुड़ की।
आटा तो वैसे भी गूंदा हुआ है, सिर्फ मेरे को गुड़ कट करनी है, और जिस तरह से स्टफिंग डालते हैं ना उस तरह से गुड़ को डालना है और खाना है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और मेरे को ना गुड़ का पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बचपन में मम्मी हमको मतलब बचपन में तो क्या मतलब जब हम घर पर होते तो मम्मी हमको बहुत ज़्यादा गुड़ का पराठा बनाते थे, स्कूल के लंच बॉक्स में गुड़ का पराठा देते थे, मतलब बहुत ही टेस्टी होता था लंच। मतलब जब हमको लंच देते थे ना तो कभी गुड़ का पराठा कभी चीनी का, मतलब बहुत ही मज़ा आता था कसम से। काश वो बचपन वाला दिन वापस आ जाए, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ, वैसे मैं बहुत टेस्टी खुद बना लेती हूँ, मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाते हैं बट मैं उनसे कम टेस्टी तो बना ही लेती हूँ। तो मैं फटाफट से तैयारी वगैरह कर लेती हूँ बनाने की, गुड़ कट कर लेती हूँ पहले, उसके बाद बनाऊँगी पराठा, गुड़ का पराठा, मीठी रोटी। पानी आ रहा है मुझे अभी से, पहले बना लेती हूँ फिर दिखाऊँगी आपको कितनी यमी होती है। तब तक लिया मेरी मेहंदी देखो। तो यहाँ पर ना मैंने गुड़ की रोटी के लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। यहाँ पर आटा है और ये रहा हमारा बेलन और ये रही हमारी गुड़ जो मैंने गुड़ कट करके रखी है। अब हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक बड़ी सी मतलब रोटी की तरह बना दिया है और एक दूसरा से मैंने इस तरह से बनाया है। और जब भी मैं मतलब ऐसी स्टफिंग वाली रोटी बनाती हूँ तो मैं दो करके बनाती हूँ, डबल रोटी करके, और ये नीचे के लिए और ये इसमें डालूंगी मैं स्टफिंग, जो ये वाला दिख रहा है ना आपको इसमें स्टफिंग डालूंगी, ताकि मतलब अगर दूसरे करके बनाते हैं ना उसे ना स्टफिंग मतलब स्टफिंग बाहर निकल जाती है बट इसे बाहर नहीं निकलती है। तो मैं पहले इसमें डालूंगी गुड़, उसके बाद बताती हूँ आपको। दोनों रोटी को एक दूसरे के ऊपर डालेंगे और इस तरह से बन जाती है, इस तरह से स्टफिंग बाहर नहीं निकलती, तो इस तरह से बनाना आप कभी अच्छी बनती है। तो ये रहा मेरा परांठा। मैं थोड़ा सा मैं ऑयल लगाऊंगी या फिर घी कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैं वो लगाऊंगी अब इसके ऊपर। तो जितनी देर तक मेरे परांठा ठंडा होता है ना उतनी देर तक मैं दाल डाल के रखती हूँ उनके लिए, येलो कलर की दाल। तो यहाँ पर मैंने दाल भिगनी को डाल दी, बाद में पकाऊंगी इसको। उतनी तक मेरे परांठा भी बन गया है, परांठे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मैं सारी गुड़ बाहर निकल गई है तो ऐसे निकल दिया, ऑयल के साथ निकल जाती है बाहर। मेरा परांठा, एक परांठा मैंने अपने लिए बनाया है और एक परांठा मैंने तब्बू के लिए बनाया है, और उसमें गुड़ निकल रही है। मैं खोलती हूँ उसको, कितना गर्म है, गर्म है, गर्म है, गर्म है, सारी गुड़ पिघल गई है। वाह 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 वाह, ठंडा होने का वेट करना पड़ेगा, वैसे भी बहुत गर्म है, पर मैं एक बाइट खा रही हूँ टेस्ट के लिए कैसा बना है। बहुत टेस्टी, कई बार ना रूम में से दाल चावल वगैरह सब्जी वगैरह खा के बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, तो फिर मेरे को कुछ ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, तो मैं ये सब कुछ बनाती रहती हूँ, साथ में आप लोगों को भी दिखाती रहती हूँ। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो भी बनाओ आप लोग घर पर, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, मतलब थोड़ा अलग खाने के लिए इतना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। तो मैं अभी देखती हूँ, अभी ठंडी हो जाए तब तक मैं वेट करूँगी, उसके बाद खाऊँगी। और मैं दाल में मैंने भीगने के लिए डाल दिया, थोड़ी देर से लगाऊँगी उसको पकाने के लिए, उन्हीं देर तक तब वो भी आ जाएगी 12:30 बजे तक, अभी तो 10 ही बजे, 11 बजे के बाद ही लगाऊँगी, फिर देखते हैं उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ होगा आज। बाकी मैं रोटी खा लेती हूँ उसके बाद मिलूँगी आपसे।